मर्द से ये कहा जाए कि भाई आप तो मेरी कभी बात ही नहीं सुनते तो आपको क्या लगता है कि वो कहेंगे कि जी जी अच्छा हाँ मैं वाकई में तुम्हारी बात नहीं सुनता इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट हमने ये हमने इस पे वीडियो भी, 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 बात की थी कि जब आप किसी को कोई क्रिटिकल फीडबैक देना चाहें तो कभी भी उसको ये ना तुम तो ऐसे हो तुम तो ये कर रहे हो ये एक अटैक जा, समझा जाता है और पहला जो रिस्पॉन्स इंसान का होता है वो होता है कि मैं अपने आप को बचाऊं या वो बचाएगा लड़के या वो बचाएगा भाग के हाँ। ये दो चीजें होती हैं जिसे कहते हैं फाइट या फ्लाइट मोड हमारे बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है इसीलिए अगर हम किसी को क्रिटिकल फीडबैक देना चाहें और ये किसी ने यह बात की थी अगर बात करते करते लड़ाई हो जाए तो आप उसको उस वक्त छोड़ दें फिर उस वक्त बात करें जब सिचुएशन जरा बेहतर हो जाए तो क्रिटिकल फीडबैक देते हुए आप इंसान से कहें कि मुझे ये फील हुआ कि तुमने ऐसा किया है या मैंने ये समझा है उसमे क्या हुआ कि आपने अपनी सोच से वो चीज को लगा दिया अगले बंदे को ये नहीं लगेगा कि उस पर अटैक किया जा रहा है वो भी ये कह सकता है या वो सोच सकती है कि अच्छा इसने ऐसा सोचा सोच गलत भी हो सकती है इंसान की मैं क्लियर कर देती हूँ लेकिन जब आप किसी को ये कहें कि नहीं तुमने ऐसा क्यों तुमने ऐसा किया और तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हुआ तो हमने उस बंदे पे ऐसा अटैक किया है कि वो उसका रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा उसका रिस्पांस मोस्ट लाइकली आपको बुरा ही मिलेगा या वो खामोश होके मिलेगा या फिर जो है ना वो लड़के मिलेगा इसमें एक और चीज है कि हम एज अ कपल जो होते हैं हमारी एक पावर होती है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं खींचातानी नहीं है हमने एक दूसरे के साथ पावर को आ, आ, अपने अंदर रोटेट करने देना है फॉर एग्जाम्पल जवाद साहब हैं उन्होंने गाड़ी खरीदी थी और वो फैसल साहब के पास गई गाड़ी खरीदने के लिए ठीक है तो फैसल साहब ने कहा मेरी गाड़ी इतनी अच्छी और इतनी अच्छी रन करी तो जवाब साहब ने कहा कि देखिए मेरी बात सुने मैंने अपनी बेगम से कहा था कि मैं ना उनसे मशवरा करके तो दिखा के मकैनिक को गाड़ी तो फिर गाड़ी को फाइनलाइज करूंगा तो फैसल साहब ने आगे से तो मस्कर उड़ाया उन्होंने कहा वाह जी ये क्या बात हुई कि आप अपनी बीवी से इजाजत मांगेंगे मैं तो कभी अपनी एक्स वाइफ से इजाजत मांगी ही नहीं थी तो जवान साहब ने फिर मुस्कुरा के कहा वजह वो आपकी एक्स हो गई है लेकिन <laughs> किसान ये कि जब जवान साहब ने अपनी बीवी का मशवरा मानते हुए के पास गए तो उस गाड़ी में वाकई में कुछ मसले थे जो जिसकी वजह से फिर उन्होंने वो डील नहीं की अब यहाँ पे जो पावर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं ना जिसको कि हम अपने इस से इन्फ्लुएंस होते हैं तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है सही बात है सोल्व करने चाहिए हमें वो मसाइल जो सॉल्व हो सके कई दफ़ा हम उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते रहते हैं जो कि हल हो ही नहीं सकते